हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाऊंगी फ्रूट कस्टर्ड। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 2 ग्लास दूध, 2 चम्मच कस्टर्ड, 4 चम्मच चीनी। यहाँ मैंने लिया है 1 केला, थोड़े से सेब, और यहाँ मैंने गार्निश करने के लिए लिया है थोड़े से काजू और किशमिश। अब हम गैस पर कढ़ाई को गर्म करेंगे। इसमें हम दूध को डाल देंगे और इसे धीरे धीरे हम चलाएंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और दूध को हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे कस्टर्ड को मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं डालूँगी 4 चम्मच नॉर्मल दूध और इसे अच्छी तरह मिला लूँगी, जिससे कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। हम यहाँ पे गर्म दूध नहीं लेंगे क्योंकि गर्म दूध से ये जम जाएगा। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह घुल गया है। हमें दूध को अच्छी तरह धीरे धीरे चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई में सटे ना। देखिए, हमारा दूध अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऐसे हमें चलाते रहना है, नहीं तो कस्टर्ड हमारा कढ़ाई में सड़ जाएगा। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड हल्का गाढ़ा होने लगा है। इसे हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे शुगर। और इसे अच्छी तरह धीरे धीरे मिक्स कर देंगे। ये देखिए, कस्टर्ड अब ठीक हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे हम 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसे आप जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो आप फ्रीजर में डाल दें। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ बॉल लिया है। हम उसमें अपने फ्रूट्स को डालेंगे। आप इसमें और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे अनार, अंगूर, पका पपीता। अब हम इसमें कस्टर्ड को डाल देंगे। और इसे हम गार्निश करेंगे। मैंने यहाँ गार्निश के लिए लिया है काजू और किशमिश। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।